एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को लॉन्ग लेयर कट दिखाने वाली हूं और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है इसका। आप बने रहिए मेरे साथ में और देखते जाइए। तो अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूं और आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट्स ज़रूर करें। तो आप देखिए कटिंग। सबसे पहले देखिए मैंने जो हमारा फ्रंट एरिया है दोनों तरफ के बालों को लेके मैं सबसे पहले अपने जो हमारा चिन एरिया उसके भी नीचे लाना है और कट करना है। सबसे पहले लेंथ आप डिसाइड कर लें और मुझे इनके लेंथ बिल्कुल छोटी नहीं करनी है, लॉन्ग हेयर्स पे ही कटिंग देनी है तो उसी हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। और ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन लेयर्स को निकालना है और फ्रंट की तरफ लाना है, नोज़ एरिया को क्रॉस करते हुए इसको कट करते हुए जाना है। और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। और अगर देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप चेकआउट ज़रूर करिए। और ये कटिंग बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, लेकिन हाँ अगर कर्ली हेयर्स है तो उस पर ये लुक जो है ये कट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए बाल थोड़े से जो स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं, उन पे ही ये कट अच्छे से खुल के सामने आता है। तो ये जो है कर्ली हेयर वाले ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, उनके ऊपर स्टेप्स ज़्यादा बेटर लगते हैं। और सिल्की और स्ट्रेट हेयर वालों पर जो है ये कटिंग बहुत अच्छा लगता है। तो अब आप देखते जाइए कि मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए हमारी गाइडलाइन अच्छे से दिख जाती है और उसी गाइडलाइन के बराबर से ही कट करना रहता है, तो मैं जस्ट वही गाइडलाइन के हिसाब से मैं ऐसा कट कर दूंगी। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए। और कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लास्ट लेयर कट कर रही हूँ और बहुत थोड़ा सा कट करूँगी इसको। आप इसका लेंथ देख लीजिए, बस इतना समय है, लगभग एक इंच के लगभग ही मैं कट की हूँ नीचे से। और एक बार पूरे बालों को अच्छे से मिला लूँगी। रीचेक, कोई भी कटिंग करते हैं तो उसको रीचेक ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे कहीं भी आपका बाल छूटेगा नहीं और जो भी अनइवन सा होगा उसको आप तुरंत अच्छे से एक जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल्का सा बराबर करूँगी और नोचिंग करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरी एक तरफ की कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए बहुत कम काटा है और ये कम बहुत कम समय में भी कंप्लीट हो जाती है, कटिंग बहुत अच्छी दिखती भी है। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, उसके लिए कमेंट्स तो करना होगा तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। तो देखिए सेम वही प्रोसेस मैं इधर भी वही कर रही हूँ,
गाइडलाइन को मिलाते हुए लेयर्स को कट करते हुए जाना है। और सेक्शन डिवाइड आप हेयर्स के हिसाब से ही करेंगे। अगर घने बाल हैं तो उसमें ज़्यादा पार्टिंग कर सकते हैं, अगर कम बाल हैं तो आप उसमें कम ही पार्टिंग और कम ही सेक्शन निकलेंगे तो कम ही करना पड़ेगा उसमें। और देखिए मैंने गाइडलाइन उठा ली है, अब उसी को मिला के मैं ऐसा कट करूँगी। बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरे पास कमेंट्स आया था कि मैम आप लॉन्ग हेयर्स पे जो है लॉन्ग लेयर्स कट बताइए, तो आज मैंने ये कटिंग इसीलिए अपलोड की है कि ताकि आप लोग देख सकें कि मैं इसको कैसे करना है। अब ये लास्ट वाले सेक्शन को भी मैं कट करूँगी। इसमें इतना इजी मेथड है, इसमें कुछ भी आपको ऐसा क्लिपिंग नहीं करनी है, सेक्शन निकाल के क्लच नहीं करना है, बस आपको गाइडलाइन बनानी है और लेयर टू लेयर लेते हुए बस कटिंग करते हुए चले जाना है। और अब मैं लास्ट में सारे बालों को एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी और रीचेक करूँगी अच्छे से। देखिए जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको बस मैं ऐसा कट कर लूंगी और मोचिंग कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लाइस कट करूंगी साइड साइड से। ये देखिए और ये बहुत इजी रहता है। ये लोग देख के सोचते हैं कि ये स्लाइस कट करना काफ़ी टफ होगा। नहीं, आपको सीधा बिल्कुल तिरछा रखना है और उठाना नहीं है और उसी को नीचे की तरफ बिल्कुल खिसकाते हुए चले जाना है। तो ये रहा इस कटिंग का फाइनल लुक। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स के थ्रू, और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो तब तक ले बाय, थैंक यू।